महाराष्ट्र के पुणे में अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने इस दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अब महाराष्ट्र में चुनाव है और विपक्षी नेता शरद पवार नए नए प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार।